गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। सोहना रोड पर बनाया जा रहा बादशाहपुर एलिवेटेड फ्लाईओवर क्या फिर गिर सकता है? जी हाँ, क्योंकि हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसको शायद आपको भी यही लगेगा देखकर कि जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है एलिवेटेड फ्लाईओवर, वो फिर दोबारा गिर सकता है। आपको याद होगा कि पिछले महीने ही साउथ सिटी चौक पर एक स्लैब गिर गया था इस फ्लाईओवर का, लेकिन कुछ तस्वीरें हमारे पास ऐसी हाथ लगी हैं जिनको देखकर कोई भी ये कहेगा कि अभी फ्लाईओवर बना ही नहीं है और अभी से अगर इतनी लापरवाही बरती जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फ्लाईओवर के नीचे ही मैं खड़ा हूं, निर्माणाधीन जो फ्लाईओवर है, और एक तस्वीर मैं पहले आपको दिखाता हूं इसके स्लैब की। आपको देखिए रिपेयरमेंट यहां पर नजर आ रही होगी, ये रिपेयरमेंट यहां पर की गई है और ये रिपेयरमेंट क्यों की गई है उसकी तस्वीर फिर मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप ये तस्वीर देखिए, साथ साथ आप लोगों से ये भी अपील कर रहा हूं कि इस खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा, देखने के बाद इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि संबंधित अधिकारियों तक ये पहुंच सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये खबर उन तक पहुंचना ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। अब वो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें वो हैं जिसकी वजह से हमने ये खबर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, और ये पूरा जो पैच है ये पैच इसी तरह से झड़ गया था, इसमें सरिये दिखने लगे थे और उसके बाद इसको नया लगाने की बजाय यहीं पर रिपेयर कर दिया गया, जो कि आप लोगों की हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है और लगातार इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं। पहले भी हमने आप लोगों को खबरें दिखाई थी और अब ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव गुरुग्राम न्यूज़ पर ये तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जिसमें आपको ये पैच झड़ा हुआ नजर आ रहा है और इसको यहीं पर रिपेयर कर दिया गया। आपको याद होगा कि हिरोंडा चौक फ्लाईओवर जब पहली बार इसी तरह कुछ हिस्सा उसका झड़ गया था, गिर गया था नीचे, उसको रिपेयर किया गया, लेकिन वो एक दो महीने में ही दोबारा गिर गया था, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो सकता है, संभावित है ऐसी घटना होना। इसीलिए कंपनी कितनी बड़ी लापरवाही बरत रही है कि उन्होंने इस पैच को चेंज करने की बजाय यहाँ पर इसको रिपेयर कर दिया, और कितना खतरनाक हो सकता है उसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि 1300 करोड़ की लागत से लगभग ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तकरीबन 5.5 किलोमीटर का, और जो 5.5 किलोमीटर का ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा ये दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तहत इसको बनाया जा रहा है, नेशनल हाईवे का ये फ्लाईओवर है। लेकिन ना NHAI के अधिकारियों की नज़र इस पर पड़ी है, ना ही जिला प्रशासन की कोई नज़र इस पर पड़ी है, और कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, आप लोगों के हमारे पैसों की बर्बादी कर रही है, साथ ही साथ आप लोगों की हम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रही है। जो अगस्त में इस फ्लाईओवर का एक पैच गिरा था, एक स्लैब गिरा था, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है, उसके जांच सैंपल रिपोर्ट्स नहीं आई है, पता नहीं लगा है कि कोई मटेरियल गलत इस्तेमाल किया गया था, कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट था, या किस वजह से वो स्लैब गिरा था, और अब इस तरह की तस्वीरें सामने आना, ये तस्वीर हमारे एक जागरूक दर्शक ने हमें उपलब्ध कराई है जो कुछ दिन पहले की है, तकरीबन बताया जा रहा है कि मई जून के तकरीबन दरमियानी महीने की ये तस्वीरें बताई जा रही है, जो हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई है। एक बार दोबारा वो तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि जब ये पैच यहाँ से बनाया जा रहा था, ये स्लैब जो बनाया जा रहा था, उस समय आप तस्वीरों में गौर से देखें तो मशीन इसके ऊपर थी और इसको रखा जा रहा था यहाँ पर, उसी समय ये पैच यहाँ से झड़ गया था, और उसके बाद आप देखिए तो 6-7 पिलर्स पर जो स्लैब है वो रख दिया गया, यानी कि 3-4 महीने पुरानी ये तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरें वास्तविक हैं उसकी पुष्टि करती है। ये ऊपर आपको जो रिपेयरमेंट नज़र आ रही होगी इस पर, देखिए पूरा ऐसे ही इसको रिपेयर कर दिया गया है जैसे यहाँ पर कोई इसको नुकसान हुआ ही नहीं था, और ये नुकसान कहीं आगे आने वाले समय में भारी ना पड़ जाए आम जनता की जिंदगी पर। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि आप लोग इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि NHAI के अधिकारियों के पास, कंपनी के अधिकारियों के पास, साथ ही साथ जिला प्रशासन तक, सरकार तक ये तस्वीरें पहुंच पाए, और इस जो ये रिपेयर किया गया है इसकी गुणवत्ता का सैंपल लिया जाए यहाँ से, ताकि आप लोगों की हम लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित किया जा सके। आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम इस तरह की खबरें उठाते रहेंगे, इस तरह की आवाज़ें आप लोगों के लिए उठाते रहेंगे जो ज़िंदगी बचाने वाली हो। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।